जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर ओके टेक में। तो दोस्तों, ISL टेक्निकल अटेंडेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले जो ऑल ट्रेड के सेफ्टी के क्वेश्चन है वो यहाँ पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो अभी तक चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर जो हमें क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में बता, तो देखिए मैं PDF जो बनाए वो तो इंग्लिश में बनाए हूँ, लेकिन हिंदी वाले भी टेंशन ना लें, मैं आपको पूरा जो है हिंदी में भी यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना देर गवाए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन इज़ अ पर्सनल सेफ्टी, यानी ऐसी कौन सी है जो हमारी पर्सनल सेफ्टी है। तो देखिए, इसका जो है हमारा राइट आंसर बन जाएगा, यानी प्राथमिक सेफ्टी जिसको हम बोल सकते हैं। तो वो हो जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, यानी जब भी आप क्या कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तब क्या करना, सबसे पहले जो भी काम कर रहे हो तो उस पर क्या कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखना, ये हमारे क्या होती है, पर्सनल सेफ्टी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम ऑफ मैंडेटरी सिंबल। तो ठीक है, जो मैंडेटरी सिंबल यहाँ पे दिखाया गया है तो उसका हमें नाम बताना है। तो देखिए, ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है आपको स्टॉप को, ठीक है। तो जब भी आपने देखा होगा कोई यहाँ पे, मान लो स्कूल कॉलेज वगैरह होते हैं, तो उसके साइड में यहाँ पे ऐसे जो है सिंबल यहाँ पे दिए हुए रहते हैं, ठीक है। कभी कभार इस पर लिखा होता है कि जो आपकी स्पीड है वो कभी 20 किलोमीटर पर आवर से कम रखिए, या फिर स्टॉप का ऐसे सिंबल यहाँ पे दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये जो सिंबल है ये सिंबल याद रखना, ये मैंडेटरी सिंबल है और किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये करता है आपको स्टॉप को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वॉट टाइप ऑफ फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफेबल सॉलिड आर क्लासीफाइड। तो देखिए, फ्लेमेबल लिक्विफाइबल्स सॉलिड आर क्लासीफाइड, देखिए किसमें क्लासीफाई होता है। तो देखिए, ये जो आपकी क्लास बी की फायर होता है उसमें क्लासीफाई होता है। तो चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट नोट करवा देता हूँ। तो देखिए, जो क्लास ए की फायर होती है तो ये किससे होती है, जो आपका वुड पेपर हो गया, ठीक है, वुड हो गया या फिर आपका हो गया पेपर, ठीक है, ये हो गया आपकी क्लास ए की फायर। अगर बात करें हम क्लास बी की फायर की, तो बी की फायर में क्या आता है, ये देखिए आपका आता है जो पेंट्स वगैरह होता है, पेंट्स हो गया या फिर पेट्रोल हो गया, इस तरह से, ठीक है, इससे लगने वाली जो आपकी यानी लिक्विड से लगने वाली क्या होती है, आग होती है, ठीक है। और क्लास सी में आती है आपकी जो आपका सिलेंडर वगैरह हो गया, ठीक है, LPG वगैरह हो गया, LPG से वगैरह जो आग लगती है वो होती है आपकी क्लास सी में। और जो क्लास डी में आती है, क्लास डी में आती है आपकी सभी इलेक्ट्रिक जो फायर होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फायर जो होती है वो सभी क्या आती है, आपकी क्लास डी में आती है, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट आप याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसेस। तो यही बताना है कि जो ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसेस है, ठीक है, यानी जो हम बोल सकते हैं कि उसको यानी अर्जेंट, ठीक है, अर्जेंट में अगर मानो कोई हादसा हो गया तो वो कौन सी प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं उस व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। तो देखिए, वो होती है आपकी फर्स्ट एड। फर्स्ट एड को क्या होती है, एक इमीडिएट प्रोसेस होती है जो किसी की भी जहाँ पे जान बचा सकती है अगर हादसा हो गया तो, ठीक है। वहाँ पे कोई भी ऐसे इक्विपमेंट नहीं रहते जिससे हम उसकी मदद कर सकते, तो फर्स्ट एड एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति की जान बचा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाए। नेम ऑफ वार्निंग साइन, तो ये जो आपको दिखा होगा, ठीक है, जब भी आप मानो कोई रेलवे का फाटक वगैरह रहता है तो वहाँ पे ऐसा सिंबल आपने कई बार देखा होगा, तो ठीक है, तो ये कौन सा सिंबल होता है, ये होता है वार्निंग सिंबल, यानी यहाँ पे आपको इस तरफ जाना नहीं है, ठीक है। तो देखिए, ये जो सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपको अनगार्डेड, ठीक है, अनगार्डेड आपको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मानो कोई यहाँ पे मानो ऐसा रेल की पटरी है, ठीक है, अगर वहाँ पे कुछ सेफ्टी के लिए मानो कंपाउंड वगैरह नहीं लगाओ तो यहाँ पे ऐसा सिंबल रहता है कि आपको इस तरफ नहीं जाना है, ठीक है। तो पहले आपको जो है संकेत दे दिया जाता है। व्हाट इज़ द क्लास ऑफ फायर कॉल्ड बाय फायर वुड पेपर क्लॉथ। देखिए, मैं आपको ऊपर चारों पॉइंट नोट करवा दिया था, अगर वो आपने अच्छे से देखा होगा तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हो। तो देखिए, जो आपका पेपर हो गया या फिर वुड हो गया या फिर क्लॉथ हो गया, इससे जो आग लगती है तो वो आती है आपकी क्लास ए फायर में, ठीक है। तो देखिए, आपको बताना है बी में, सी में और डी में कौन सी आती है, अभी मैं आपको ऊपर नोट कर रहा था, इसको आप कमेंट में लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच फायर एक्सटिंग्विशर फिल विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमो क्लोराइड डाइफ्लोरोमीथेन, ठीक है। तो यही बताना है कि ऐसा कौन सा एक्सटिंग्विशर है जिसमें फिल रहता है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोराइड फ्लोरोमीथेन, ठीक है। तो देखिए, जो आपका हेलोन एक्सटिंग्विशर होता है उसमें ये जो है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन यहाँ पे फिल रहता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड, तो देखिए, जो मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड के अंतर्गत क्या आता है, तो वो आता है आपका अनगार्डेड मशीन, ठीक है, जो यानी खुली ऐसी मशीनें और होती है वही आता है हमारा जो मैकेनिकल ऑक्यूपेशन हजार्ड्स के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंज्योर पर्सन, तो देखिए, जो आपका मानो कोई एक पर्सन होगा जिसका यानी कुछ वजह से एक्सीडेंट होगा या फिर वो
उसके शरीर से बहुत सारा खून बह रहा है, तो ये पूछा गया है कि उसका जो ब्लीडिंग है वो आप कैसे स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे स्टॉप कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई प्रेशर ओवर द वाउंड। ठीक है, उसके वाउंड के ऊपर जब हम प्रेशर देंगे तो क्या होगा, जो आपका जो ब्लीडिंग है वो क्या होगा, आप पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर वैसे देखें तो जो आपका खून निकलता है तो उसको आप लगभग देखें 5 से 10 मिनट अभी टाइम लग जाता है बंद होने के लिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ साइन, तो देखिए जो आपका साइन आपको दिख रहा होगा ये रोड क्रॉसिंग का होगा, यहाँ पे उस पर दिया होता है, तो ठीक है देखिए रिप्रेजेंट करता है पेडेस्ट्रियन ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है, जो आप रोड क्रॉसिंग के साइड में यहाँ पे दिया हुआ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द थ्री फैक्टर्स ऑफ कॉजेस ऑफ फायर, एंड फायर लगने के तीन कारण हमें यहाँ पे बताने हैं, तो देखिए कौन कौन से होते हैं, तो वही होती है आपकी फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो जो आपका हीट उत्पन्न होता है कि वो किसकी वजह से आग लगती है, तो वो लगती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ना हो तो फायर नहीं लगती है। ठीक है, यानी फ्यूल से क्या लगती है, हीट उत्पन्न होती है ऑक्सीजन के संपर्क में रहने पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द पीरियड रेफर एज गोल्डन आवर, तो देखिए कौन सा पीरियड होता है जिसको हम गोल्डन आवर्स के नाम से जानते हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी कई बार आप टेक्निकल एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो होता है आपका फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर इंसिडेंट। ठीक है, जो आपका इंसिडेंट होने के बाद जो पहले 30 मिनट रहते हैं उसको हम क्या करते हैं, गोल्डन आवर्स के नाम से यहाँ पे जानते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस, यानी सबसे पहली स्टेप हमारी क्या रहनी चाहिए जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो आपका एक्सीडेंट होने वाला होगा वर्क प्लेस पर उसको अवॉइड कर सकते हैं, यानी हमारा एक्सीडेंट ना हो, तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप होती है तो वो होती है आपकी बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन, हमें क्या करना है सेफ्टी प्रिकॉशन का पूरा निरीक्षण यहाँ पे करना पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। व्हाट डज द सिम्बल डिनोट्स, तो देखिए जो सिम्बल आपको दिख रहा होगा तो ये क्या डिनोट करता है, तो ये डिनोट करता है आपको स्टॉप को। ठीक है, ये डिनोट करता है आपको स्टॉप को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द कलर कोड ऑफ बीन्स फॉर वेस्ट पेपर सरिगेशन। ठीक है, सरिग्रेशन, तो देखिए हमें क्या बताना है, जो आपका वेस्ट पेपर के लिए कौन सा बीन कलर का इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए कभी आप अगर वर्कशॉप में जाएंगे तो वहाँ पे देखना फेरस के लिए या फिर आपका एल्यूमिनियम के लिए, लोहे के लिए, फिर आपका हो गया प्लास्टिक के लिए, पेपर वुड के लिए, तो अलग अलग कलर के यहाँ पे डस्टबिन रहते हैं। जब भी आप कभी मानो कौन से भी वर्कशॉप में जाओ, रेलवे का हो गया या फिर किसी भी वर्कशॉप में, तो देखिए जो आपका वेस्ट पेपर के लिए जो कलर का डस्टबिन यूज़ करते हैं तो वो होता है आपके ब्लू कलर का। ठीक है, ब्लू कलर का जो डस्टबिन होता है वो होता है आपका वेस्ट पेपर के लिए यूज, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। साथ ही बताते चलिए कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे और कमेंट में भी लिखते चलिएगा। ठीक है, अगर पसंद आ रहे तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ रोड साइन, तो देखिए जो आपको रोड साइन यहाँ पे दिख रहा होगा तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो देखिए ये ना ही वार्निंग के बारे में बताता है और ना ही ये मैंडेटरी साइन है। ठीक है, तो ये क्या है, एक इंफॉर्मेशन साइन है जो जो भी आपके चालक होते हैं उनको क्या है? वो बताता है कि किस दिशा में कौन सा गांव है या फिर शहर है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका जो हमारा आंसर बन जाएगा वो जो बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी इंफॉर्मेशन साइन है ये रिप्रेजेंट करता है। व्हाट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज फॉर फ्लेमेबल रनिंग लिक्विड फायर, ठीक है जो आपके फ्लेमेबल रनिंग लिक्विड की फायर होती है तो उसके लिए हम कौन सा यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं, तो वो होता है आपका फोम एक्सटिंग्विशर। ठीक है, फोम एक्सटिंग्विशर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। वॉट ए इंडिकेट्स इन ए बी सी ऑफ फर्स्ट एड, ठीक है जो आपका फर्स्ट एड में जो ए बी सी होता है तो उसमें जो ए रिप्रेजेंट करता है तो वो करता है आपका एयर वे को। ठीक है, एयर वे को वो क्या करता है आपको रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल इन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कैन बी यूज एज ए मैन्यूर, तो ठीक है जो आपका कंपोस्टिंग होता है, ठीक है कंपोस्टिंग जो होता है ये क्या करता है, जो आपके आपके मटेरियल होते हैं वेस्टेड, तो इसका क्या करता है एक प्रकार से कंपोस्ट करता है जो हम क्या कर सकते फिर से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे राइट हो जाएगा। टेल मी द कलर कोड ऑफ प्लास्टिक वेस्ट बिन, तो हमें बताना जो आपका प्लास्टिक वेस्ट बिन होता है तो उसका कौन सा कलर का होता है, तो वो होता है आपके येलो कलर का। ठीक है, जो प्लास्टिक का होता है येलो कलर का, और ऊपर हमने क्या देखा था कि जो आपका पेपर्स का जो भी वेस्टेज होता है तो उसका होता है आपका ब्लू कलर का। ठीक है, पेपर वेस्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा येलो, यानी प्लास्टिक वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 3 इयर्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 स्टेप
5 ईयर्स, ठीक है। जो 5 ईयर्स में बताना है हमें, जो 3 ईयर्स होता है उसका यहाँ पे मीनिंग होता क्या है। तो देखिए, जो आपका 5 ईयर्स में जो 3 ईयर्स होता है उसका मीनिंग क्या होता है, तो उसका मीनिंग होता है यहाँ पे सीसो, ठीक है। सीसो जो इसका मीनिंग होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। तो देखिए, पहले का क्या होता है, उसका होता है सेरी सीटॉन सीसो, चौथे का होता है यहाँ पे सिकत्सु, और जो पाँचवा होता है उसका होता है सित्सु के, ठीक है। सित्सु के, ठीक है, सित्सु के जो इसका पाँचवे का मीनिंग होता है, ठीक है। तो देखिए, अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो अगले पार्ट के यहाँ पे 20 क्वेश्चन डिस्कस करने, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने 20 देख लिए और अगले पार्ट में हम 20 करेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो अंत तक बने रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच शुड नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर इन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में क्या फायर होती है, तो कौन सा हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते, तो वो करते हैं हम वाटर, ठीक है। वाटर से क्या होता है, जो आपकी इलेक्ट्रिकसिटी होती है वो जो आग होती है उसके ओर फैल जाती है, ठीक है। तो देखिए, सैंड भी हम यूज़ करते हैं, हेलोन भी यूज़ करते हैं, और सीटी सी भी यहाँ पे यूज़ करते हैं। सीटी सी यानी क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। द मेन लॉ प्रिस्क्राइबिंग हेल्थ एंड सेफ्टी कंट्रोल एट वर्क, तो ऐसा कौन सा नियम है जो ज़्यादा यूजफुल होता है या फिर प्रिस्क्राइबिंग होता है हेल्थ एंड सेफ्टी कंट्रोल वर्क में। तो देखिए, जो आपका हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क एक्ट जो है आपका 1974, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क एक्ट जो है आपका 1974, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। हाउ मेनी हावर पर वीक कैन बी एवरेज वर्कर बी रिक्वायर्ड टू वर्क अंडर द वर्किंग हावर रूल, देखिए वर्किंग हावर रूल में एक वीक में जो आपका वर्कर होता है तो वो कितना उसको जो वर्क हावर रिक्वायर्ड है वर्किंग हावर रूल के अनुसार, तो देखिए वो रिक्वायर्ड होता है 48 आवर, ठीक है, 48 आवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोहिबिटिव साइन, ठीक है। जो प्रोहिबिटिव साइन होता है, ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या होता है, तो उसका मीनिंग होता है कि क्या करे और क्या ना करे, ठीक है, क्या करे और क्या ना करे। इट शोड नॉट टू डू सो, ठीक है, यानी जो हमें टालना है यानी वहाँ पे करना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ मैंडेटरी साइन, जैसे जो मैंडेटरी साइन होता है तो उसका बैकग्राउंड कैसा रहता है, तो वो रहता है आपका व्हाइट मार्क और ब्लू बैकग्राउंड, ठीक है, व्हाइट मार्क और ब्लू बैकग्राउंड, ठीक है। जो आपका मान लीजिए कुछ इस तरह से, तो इसका जो अंदर का रहेगा पूरा बैकग्राउंड रहेगा आपके ब्लू, और इस पर जो भी लिखा होगा वो रहेगा आपका व्हाइट मार्क में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। वॉट इज़ फायर सस्प्रेशन, तो देखिए इसका हमारा राइट आंसर बच जाएगा सेपरेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जो आपकी फायर है तो उसको हम क्या करें, ऑक्सीजन से अलग करें, यही क्या होता है हमारा फायर सस्प्रेशन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल लॉस, तो हमें बताना है जो हमारा भौतिक हानि कौन सी है, तो वो होती है आपकी वाइब्रेशन, ठीक है। वाइब्रेशन यहाँ पे क्या है, हमारी भौतिक हानि है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंट सिक्वेंस ऑफ यूज द फायर रिटार्डन, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस है, तो वो होते हैं देखिए आपका पुल, फिर एम प्रेस रोटेट, ठीक है, पुल एम प्रेस रोटेट, या फिर देखिए पुल एम स्नूज फिर स्वीप, ठीक है। तो ये हमारा करंट यानी राइट सीक्वेंस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। व्हाट इज़ द स्टेप रिप्रेजेंट द स्टैंडर्डाइजेशन इन 5 ईयर्स कॉन्सेप्ट, ये जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर यहाँ पे, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो आप, मैं सभी स्टेप का जो आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 ईयर्स का जो फर्स्ट एस होता है उसका होता है सॉर्ट, सेकंड जो एस होता है उसका होता है सेट इन ऑर्डर, थर्ड जो होता है शाइन, और फोर्थ जो होता है उसका होता है स्टैंडर्ड, जिसका अभी हम जो आंसर मार्क किए, और 5 जो होता है होता है सस्टेन, ठीक है। तो आप ये देख लिए होंगे। तो चलिए अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लायर इज यूज टू मेक द हुक एंड लूप ऑफ वायर, ठीक है। वायर को हुक और लूप करने के लिए हम कौन सा प्लायर इस्तेमाल करते हैं, तो वो करते हैं हम आपका राउंड नोज प्लायर, ठीक है। राउंड नोज प्लायर हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते। व्हाट इज़ द यूज ऑफ प्लायर, तो प्लायर का यहाँ पे इस्तेमाल क्या होता है, तो वही हमें बताना है। तो देखिए प्लायर का इस्तेमाल होता है टू रिमूव पिंस एंड नेल्स फ्रॉम वुड, ठीक है, टू रिमूव पिंस एंड नेल्स फ्रॉम वुड, ठीक है। देखिए प्लायर नहीं पिंसर है, ठीक है, पिंसर का इस्तेमाल हमें पूछा गया है। अगर प्लायर का होता तो देखिए क्या होता, प्लायर से हम क्या क्या कह सकते हैं, देखिए ट्विस्टिंग एंड फ्लेक्सिबल वायर प्लायर का हो जाता, लेकिन हमें पूछा गया कि जो पिंसर होता है आपका, तो पिंसर का इस्तेमाल करते हैं रिमूव पिंस एंड नेल्स फ्रॉम वुड, ठीक है, जो आपका वुड होता है उससे पिंस और नेल्स को यहाँ पे निकालना।
स्टॉप साइन इन ट्रैफिक। तो देखिए देखिए क्वेश्चन में आंसर भी आ गया। तो देखिए क्या है, जो आपका स्टॉप साइन होता है ट्रैफिक में वो क्या होता है, वो होता है आपका मैंडेटरी साइन। ठीक है, मैंडेटरी साइन वहाँ पे वो होता है। तो ऑप्शन नंबर ये जो हमारा राइट हो जाएगा। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द बैक पार्ट ऑफ कॉशनरी साइन। ठीक है, जो आपका कॉशनरी साइन होता है तो उसका जो बैकग्राउंड में कलर रहता है तो वो किस कलर का रहता है, वो रहता है येलो। यानी वो इसमें कौन सा साइन आएगा, तो देखिए कुछ इस तरह से देखिए, जो आप डीपी वगैरह देखे होंगे, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिक का रहता है तो उस पर कुछ इस तरह से ऐसे हेड बना हुआ रहता है, जो आपको मुर्दे का, ठीक है, ऐसा मुर्दे का एक प्रकार से हेड बना हुआ रहता है। तो उसमें क्या ऐसे कॉशन लिखा हुआ रहता है या फिर खतरा लिखा हुआ रहता है, ठीक है, खतरा। तो वही साइन क्या होता है, वो होता है आपका कॉशनरी साइन, जिसमें हम क्या करते हैं बैकग्राउंड में यहाँ पे येलो कलर का जो है पेंट रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। देखिए जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, जो आपका हैलन टाइप होता है, ठीक है, हैलन टाइप का क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे इस पर गैस टाइप का भी नहीं करते, फोम टाइप का भी नहीं करते, क्योंकि इसमें क्या होते हैं नमी होती है, इसलिए हम क्या करते हैं आपका हैलन टाइप का इस्तेमाल करते हैं जब भी क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। विच इज़ द वेस्ट डिपोजल मेथड दैट जनरेट हीट। तो ऐसे कौन सी डिपोजल मेथड है जहाँ पे हीट जनरेट करते होते हैं आपकी इंसिनरेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE इज यूज फॉर मेक प्रोटेक्शन। तो देखिए ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते, तो होता है आपका नोज मास्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ BIS। तो देखिए हमें BIS का आपको फुल फॉर्म बताना है, तो BIS का फुल फॉर्म होता है आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। वही क्या होता है आपके BIS का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये फुल फॉर्म भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए 20 ओवर आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू लिफ्ट एंड मूव हेवी लोड्स। ठीक है, तो कौन सी ऐसी मेथड है जिससे हम क्या करते हैं हीवी लोड्स को उठा सकते हैं, तो देखिए वो होती है आपकी क्रेन एंड स्लाइंग। ठीक है, क्रेन एंड स्लाइंग का हम क्या करते हैं यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कुल मिलाकर हमने यहाँ पे 2 पार्ट में 20-20 क्वेश्चन यानी कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो इससे बाहर जो आपका सेफ्टी से क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपकी रिक्वेस्ट है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे इंग्लिश में भी क्वेश्चन लेके आए और साथ ही जो हिंदी वाले थे कुछ स्टूडेंट है मैं उनको हिंदी में भी पूरा समझा दिया हूँ। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन करके जाएगा, एक भी आपका स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, और साथ ही आप एग्जाम को देखिए, आज का दिन अगर पकड़े तो 2 दिन अभी फिलहाल में बचे, तो देखिए 2 दिन में मैं आपको जो एक और क्लास या फिर 2 से 3 क्लास यहाँ पे आपके लगा दूंगा, यानी उसमें हम क्या करेंगे पूरा मैराथन जैसे क्लास लगाएंगे, यानी पूरा सिलेबस के मिक्स क्वेश्चन उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चैनल पर बने रहना, जैसे क्लास आती है तो आप पूरा वॉच करते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि एक भी क्लास मिस मत करिएगा, क्योंकि एक और क्वेश्चन है आपको पूरा सिलेक्शन दिलवा कर ही जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होते। जय हिंद।